ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड करें। अभी पिछले दो साल से टूर्नामेंट हमें चलाना है, इसको प्रपोज किया, इसको यहाँ बनाया, कप यहाँ। इसको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बच्चों के शौक को देखते हुए उसके शौक को, उसके इंटरेस्ट को, उसके टैलेंट को खत्म नहीं करना, क्योंकि यहाँ बोलते हैं बच्चे कौन आते हैं बचपन में, तो उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो जो इंटरेस्ट बच्चे में, उस इंटरेस्ट को पेरेंट्स ने आगे ले और आता रेस आपको करना है। नेशनल प्लेयर है, साथ में महबूब अली वो खुद नेशनल प्लेयर है, यासीन भी हमारे इस साल नेशनल खेल के वापस आ चुके हैं, और मिस्टर मोहम्मद अली है वो भी हमारे कोच है, और उसने भी इस साल हमारे नेशनल में रिप्रेजेंट करके आए हैं। वो ग्राउंड करने के बाद आप 12 महीने आपका वो ग्राउंड रहेगा, आप किसी भी ओवर खेल सकते हो। दूसरा आपका मार्शल आर्ट्स में अलग अलग गेम, अभी आप देखिए खेलो इंडिया में हमारे अलग अलग बच्चे जो गुलमर्ग में हो रहे हैं वहाँ भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पहले भी कहा था कि हमें छोटे बच्चों को उस गेम की तरफ रागिब करना है जहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आपका एक तो हमारे मार्शल आर्ट्स तो है ही, दूसरा मेरा नाम मनवर हसन है, मैं करीब से हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमने कोचिंग ज्वाइन किया है, और यहाँ पर हमारे कोच महबूब सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया, और हमने इस पर कंसंट्रेट भी किया। कितना सीखे हो आप अभी तक? हाँ, कितना सीखा आपने अभी? हमने बहुत कुछ सीखा, हमने फॉरवर्ड सीखा, बैकवर्ड सीखा, और बहुत कुछ सीखा। सुबह कितने बजे आते हो आप? हम 7 बजे आते हैं और 11 पर जाते हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अली है। कहाँ के हो आप? मैं मिंजी से हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। आप कितने बजे यहाँ पे आते हो सुबह? मैं सुबह आइस हॉकी खेलने 10 बजे आता हूँ और 2 बजे घर जाता हूँ। कितनी ठंड होती है जब आप सुबह यहाँ पे आते हो? सुबह आते हो तो ठंड बहुत होती है। आइस हॉकी खेल के आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? आइस हॉकी खेल के मैं यूटी लद्दाख नेशनल में खेलना चाहता हूँ। मेरा नाम मुंतजिर मेहदी है। अच्छा, कहाँ के आप? मैं मिंजी से हूँ। मिंजी से? अच्छा, कितना वक्त हुआ आपको यहाँ पे सीखते हुए? 15 दिन तक मैंने कोचिंग किया, उसी में मैंने कुछ कुछ सीखा। अच्छा, क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पे? बैकवर्ड, राउंड मारना सीखा, एट कैसे बनाते वो सीखा, ये सब सीखा। अच्छा, तो आपको ये आइस हॉकी गेम कैसे आपको शौक आया कि आप ये सीखोगे?
पहले मेरा दोस्त इंदिरा का खेलता था, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी खेलूं, तो फिर मुझे ऐसे शौक पैदा हुआ। मेरा नाम जीशान है, मैं काक्सार कारगिल से हूं और मैं यहां सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कोचिंग के लिए आता हूं। और मैं यहां के सर महबूब सर से बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि हम लोगों को उसने थोड़ा इधर बेसिक एडवांस सब सिखाया है, इसीलिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नीलोफर अलवी है, मैं यहाँ पे 15 दिन की कोचिंग लेती थी और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे बेसिक और एडवांस। बेसिक में हमें बहुत कुछ सिखाया एंड एडवांस में भी हमें बहुत कुछ सिखाया, और हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हम गिरते थे फिर भी मतलब हमें हमारे कोच चेयर करते थे, फिर हमें हौसला अफजाई करते थे हमारी, और हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखे। अगर ये 15 दिन की कोचिंग आज हमारी ख़त्म हो रही है, ये लास्ट डेट है, तो अगर ये 15 दिन की कोचिंग और भी ज़्यादा मतलब करते और एक्सटेंड करते तो हमारे लिए बेहतर होता। हमारे यहाँ पे 7 ऐसे कोच हमारे यहाँ पे वॉलंटियरली यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आए थे, जिसमें से हमारे इंटरनेशनल प्लेयर भी है और नेशनल प्लेयर है बाकी सारे, और बाकी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भी यहाँ पे उनका भी ऑफिशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे कोचिंग के लिए हमारे पास 150 नफर यहाँ पे इंटरव्यू है, जिसमें से हमने सुबह 7 बजे से हमारे पास 30 शूज में हम मतलब उनको फेस टू फेस बना के 4-5 शेड्यूल बना के हम लोग यहाँ पे कोचिंग करवाते हैं। फर्स्ट कोचिंग हमारा जो फर्स्ट टाइमिंग रहता था सुबह 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, बाकी सेकंड शिफ्ट हमारा जो 9 बजे से 11 बजे तक, इसी तरह हमारे रात के 7:30 बजे यहाँ 7 बजे यहाँ पे क्लोजिंग होता था। बाकी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पे इक्विपमेंट उनका फैसिलिटीज़ अच्छा ही था, पिछले सालों से बेहतर था, और बाकी हम भी यही गवर्नमेंट से ही चाहते हैं उससे भी अच्छा हमें यहाँ पर कोचिंग के लिए इक्विपमेंट्स अगर प्रोवाइड करेगा तो फैसिलिटीज़ दे दे तो इंशाल्लाह। हमारे पास अभी इंटरनेशनल प्लेयर कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर मैं एज अ पेरेंट यहाँ पे अपने बच्चे को लाया था यहाँ पे, यूथ सर्विसेज ने जो ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया है आइस स्केटिंग का, तो एक चीज़ है जो इन्होंने बिगिनर्स छोटे बच्चों को जो 5 से 10 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि बच्चे इस उम्र में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, यही बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे फ्यूचर में यही बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल खेलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ विंटर्स में जो कोचिंग होता है, बच्चे घरों में बैठ बैठ के तंग आ जाते हैं, और आजकल बच्चे ड्रग्स में बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है गेम्स जो है एथलेटिक्स वगैरह या आइस स्केटिंग वगैरह जो है इसमें बच्चे कम से कम एक तो बिजी रहते हैं, दूसरा कुछ शौक इनका पूरा हो जाता है, तीसरा कुछ सीखते भी हैं। तो मैं यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज के जोनल फिज़िकल एजुकेशन यहाँ के इंचार्ज जो है हमारे इब्राहिम शौकी साहब, तो उन और बाकी इनके अमला है कोचेस है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेनिंग कंडक्ट किया करगिल जोन में, तो ये यूटी बनने के बाद एक बड़ा हमारा बच्चों के लिए कोचिंग था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये लोग हमारे गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड रख के हर ब्लॉक में ऐसी ट्रेनिंग का निकात करें, कंडक्ट करें ऐसी ट्रेनिंग, ताकि हमारे हर जगह से बच्चे ट्रेन होके हमारे करगिल को आगे नेशनल इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर सके बच्चे। थैंक यू। मैं संजय का रहने वाला हूँ। तो बेटा आपने 15 डेज में क्या सीखा है यहाँ पे? मैंने 15 डेज में बहुत चीज़ जिगजैग कट और बहुत चीज़ें सीखी है। अच्छा, आप यहाँ पे सुबह कितने बजे आते हो? मैं 3 या 2 पर आ जाता हूँ। आते हो तो कितने घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो आप? 4 या 5 तक।
4-5 घंटे। सर्दी कितनी होती है यहाँ पे? सर्दी थोड़ी होती है, कभी बहुत ज्यादा ही होती है। मजा आता है आज स्केटिंग करने में? हाँ। तो फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? फ्यूचर में जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर करगिल की जानिब से ये फ्री आइस हॉकी कोचिंग कैंप 27 तारीख को यहाँ पे शुरू किया गया था। पहले हमने 20 तारीख से इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया, 20 जनवरी से 25 जनवरी तक, और रजिस्ट्रेशन के समय हमारे पास कम से कम 150 तक बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, लेकिन जैसे जैसे हमने यहाँ पे शुरू करने पे आया तो तकरीबन 250 से भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, क्योंकि बच्चों के अंदर के जोश और पेरेंट्स की जो इच्छा है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारा जो लास्ट डेट था उसके बाद भी हमने उनको एंट्री दी, और तकरीबन अभी भी रश लास्ट मोमेंट तक रहा, लेकिन हमने बच्चों की इस गेम को निखारने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, और तकरीबन 250 पार्टिसिपेशंस जिन्होंने शिफ्टिंग वाइज में सुबह 8 बजे से लेकर शाम तकरीबन 9:30 बजे तक यहाँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हमने यहाँ पर लाइट का भी बंदोबस्त करके रखा है, हमारे कोच साहिबान ने शाम के बाद अजान के बाद भी यहाँ पे कोचिंग जारी रखा, और आज इस 15 रोज़ा कोचिंग कैंप का यहाँ पे अख्तिताम पजीर हुआ है। सर यहाँ पे कितने कोचिस थे यहाँ पे सिखाने के लिए बच्चों को, और बच्चे किस किस ब्लॉक से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे? कुल मिला के यहाँ पे हमने 7 कोचेस को तैनात रखे थे अलग अलग शिफ्टिंग वाइसेस में, वो कुछ डिपार्टमेंट्स के अपने थे और बाकी कोचेस सारे वॉलंटियर्स थे, क्योंकि हमारे जो आइस हॉकी के जो लवर्स है या प्लेयर्स है उनके अंदर भी एक जज्बा है कि क्रोम के प्रति कुछ काम करें, तो उन्होंने हमारे पास नाम दिया कि हम वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर यहाँ एज ए कोच काम करूँगा, तो मैं उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि हमारे करगिल के कौम में ऐसे भी जवान मौजूद हैं कि जो अपनी रजाकाराना तौर पर कौम को कुछ देना चाह रहे हैं, तो इन्होंने शिफ्टिंग वाइज में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अलग कोच, फिर 10 बजे के बाद 12 बजे तक अलग कोच, उसी तरह से अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग कोच इनको कोचिंग करवाते थे, और हर शिफ्टिंग में हमारे 25 से 30 बच्चे कोचिंग लेते थे शाम 9:30 बजे तक। तो इन फ्यूचर में किस तरह का रहेगा फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर स्पेशली करगिल, क्या करने वाला? ये प्रयास है, हमने एक कोशिश किया है, क्योंकि करगिल में विंटर स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी कैपेबिलिटीज़ भी है लोगों में और साथ में पोटेंशलिटीज़ भी है, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये प्रयास किया कि भाई हम क्यों ना इस गेम को छोटे सतह से शुरू करें, इसलिए हमने अंडर 14 को ये बेसिक शुरू किया है, और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट का कोशिश ये रहेगा, क्योंकि इन्होंने यही जो रजिस्टर्ड जो प्लेयर्स है हम इनको एडवांस कोचिंग के लिए हम बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे।